सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। समाज के बीच में दिखावा नहीं होना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर तो बिल्कुल दिखावा न हो, पाखंड न हो। आज ज्यादातर भक्ति के मार्ग पर मैं देखता हूं बहुत दिखावा शुरू हो गया है, बहुत पाखंड शुरू हो गया है। केवल नाम भक्ति का है, केवल नाम धर्म का है, इतना पाखंड, इतना पाप हो। बंद करो ये दिखावा, बंद करो। मेरी आवाज को जहां से भी सुनी जा रही है मैं सबको प्रार्थना करूं भक्ति के मार्ग पर पाखंड ना हो, दिखावा ना हो, भक्ति तो सहज हो और सरल हो। सबको मेरी प्रार्थना है और ऐसे लोगों को भी मैं प्रार्थना करूं जो लोग श्रावण का महीना आते ही इतनी भक्ति चढ़ जाती है उनके ऊपर, नवरात्रि आई तब तो आह इतनी भक्ति चढ़ गई, और नवरात्रि गई तो साल भर माता को पूछते भी नहीं है। वही भोलेनाथ के मंदिर में उधर से गुजर जाएंगे लेकिन श्रावण के बाद जल भी न पूछेंगे। भोलेनाथ भी बेचारे परेशान होते होंगे कि जून के महीने में जब हमको प्यास लगती है तब तो ये बंदा आता नहीं, हाँ, और श्रावण में जब चारों तरफ हरियाली होती है और रिमझिम बारिश तब ये जल लेकर, ये दिखावा ना हो प्यारे। श्रद्धा है, अच्छी बात है, श्रावण में भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए, थोड़ा विशेष महत्व होता है, लेकिन नित्य करो। यदि भक्ति है तो नित्य होनी चाहिए ना। 9 दिन भक्ति कर ली और बात खत्म हो गई। मैं तो हरिद्वार में देखता हूं जब श्रावण का महीना आया तो 15 दिन तो बम भोले बम भोले बम भोले, इतना बम भोले चलता रहता है और इतने ज्यादा लोग गांजा पीने वाले, भांग खाने वाले। और आजकल तो ये गांजा भांग शराब ये तो शरबत हो गई, अब तो और महंगे वाले नशे आने लग गए। और श्रावण के बाद फिर साल भर भक्ति दिखाई नहीं देती, ये पाखंड है प्यारे। किसको मूर्ख बना रहे हो, हाँ, अपने आप को तुम धोखा दे रहे हो। ये तुम्हारी भक्ति नहीं है, ये फूहड़पना, ये भक्ति नहीं है प्यारे, हो ही नहीं सकती कभी। ये डीजे वीजे लेकर चलना, हाँ। और एक निवेदन और करना चाहूं, जब हम 9 दिन दुर्गा मैया को रखकर उनकी आरती उतारते हैं और उनको विदा करने जाए ना, तो वहां हमारे आंख में अश्रु होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि मां हमारे घर से जा रही है। और आजकल ये नादान लोग, दुर्गा मैया वहां बैठी है और ये डीजे चल रहे हैं और धक 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 धक, ओहो ऐसे गाने, क्या पाखंड करते हो, क्या दिखावा करते हो। हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को विरोधियों से खतरा नहीं है, तथा कथित इन पाखंडियों से खतरा है हमारे धर्म को। पाखंड बंद होना चाहिए, ढोंग बंद होना चाहिए। सनातन धर्म को खतरा दूसरों से नहीं है प्यारे। औरंगजेब जैसे क्रूर शासक हमारे देश में आए फिर भी हमारा हिंदू धर्म झुका नहीं, लेकिन ऐसे मूर्खों के चक्कर में आज हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। राम दर्शन करना चाहते हो तो भक्ति में पाखंड न हो प्यारे, दिखावा न हो, सहज भक्ति करो। हमारे संतों को देखो, सहज भक्ति करते हैं, कोई दिखावा नहीं। मैं आप सभी को प्रार्थना करो, और खासकर युवान भाई बहनों को मेरी प्रार्थना है जो आज भक्ति के नाम पर समाज में फूहड़ता करते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को मेरी प्रार्थना है कि माता दुर्गा की मर्यादा का ध्यान रखो, भगवान भोलेनाथ की भक्ति का ध्यान रखो। कहां लिखा है कि भोलेनाथ भांग पीकर पड़े रहते हैं, हाँ, उठाओ शिव पुराण देखो, कहां लिखा है कि बाबा ने ये सब व्यर्थ की चीजें पी है। हां, भोलेनाथ ने जहर जरूर पिया है, प्रसाद के इतने शौकीन हो तो जरा जहर लेकर दिखाओ। पाखंड, दंभ, ये भक्ति के मार्ग पर शोभा नहीं देता प्यारे।
व्यासपीठ से आप लोगों से मुझे मोहब्बत है, बहुत आत्मीयता है, इसलिए कह रहा हूं। ललितपुर वासियों को मैं बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आपको खुलकर कह रहा हूं। आप यदि गलत रास्ते पर जाएंगे तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी, इसलिए बात केवल ताली से ताली तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, भीतर उतरनी चाहिए बात। मेरी बात से शायद आप सहमत होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से, कि भक्ति के मार्ग पर ऐसी पुहड़ता नहीं होनी चाहिए। माता रानी को बिठाओ, मैं मना नहीं करता हूं, भाव से उनकी आरती पूजा करो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी मैं कहना चाहूं, माता रानी को बिठाते हो ना तो जहां तक हो सके अपने जेब से खर्च करके उनकी पूजा करो, जबरदस्ती द्वार द्वार जाकर चंदे मांग कर नहीं। कई लोग उसमें नाराज होते हैं, गालियां देते हैं और वो चंदा तुम लेकर आते हो। माता रानी को बिठाओ तो भाव से बिठाओ, तुम्हारी श्रद्धा है, जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी मूर्ति आप लगाओ, कहीं अपने घर में मंदिर में जहां माता रानी का स्वरूप हो उनके चरणों में बैठकर जाकर खूब जाप करो, खूब भजन करो, खूब पाठ करो, नवचंडी करो, सतचंडी करो, खूब पाठ करो। ये माता रानी ये डीजे वीजे से खुश होने वाली नहीं, हाँ, माता रानी को खुश करना है तो उसके मंत्र का जाप करो, निष्ठा से उसकी पूजा करो। ये अबीर गुलाल उड़ाते हुए और डीजे पे डग डग करते हुए मोहल्ले की नींद हराम करते हुए, हाँ, ऐसी कहीं भक्ति होती है? भक्ति को सिजिल मत बनाओ, पाखंड न हो धर्म के मार पर, बहुत पाक। इसलिए हनुमान जी महाराज ने स्पष्ट कहा कि राम के चरणों में प्रवेश करना है तो मैं वहां बैठा हूं, मेरी इजाजत के बगैर कैसे जा सकते हो? और हनुमान जी जरा परख लेते हैं कि कहीं तुम्हारी भक्ति पाखंड वाली तो नहीं, दिखावे वाली तो नहीं। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे होत न आज्ञा बिन पैसा रे, 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 राम दुआरे तुम रखवारे, भगवान के द्वार पर श्री हनुमंत विराजमान हैं, द्वारपाल बनकर हनुमंत इजाजत के बगैर राम चरणों में प्रवेश नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि दंभ ना हो, ईर्ष्या ना हो और कपट ना हो। चौथी बात, राम चरणों में जाना है तो नोट करना, हमारे भक्ति में अहंकार भी ना हो, ये चौथी बात। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा सूत्र, हमारे भीतर कपट नहीं होना चाहिए। तीसरा सूत्र, हमारी भक्ति में दंभ ना हो, पाखंड ना हो, दिखावा ना हो। और चौथी बात, बाबा तुलसी जिक्र करते हैं, हमारे भीतर अभिमान न हो, अहंकार न हो। राम दर्शन में सबसे बाधा है अहंकार, अहंकार अति दुखद डमरुआ। जब तक अहंकार है, आज प्रसंग आने वाला है राम कथा में, जब तक धनुष नहीं टूटा ना तब तक सीताजी राम को समर्पित न हो पाए। धनुष टूटा
और सियादु भगवान को समर्पित हो गई। टूटत ही धनु भजउ विवाह। धनुष का मतलब है, एक संत ने बहुत अच्छा अर्थ किया, अहंकार। जब तक अहंकार है तब तक सीता रूपी भक्ति राम रूपी ब्रह्म को समर्पित नहीं होती। राम दर्शन पाना है मेरे भाई बहन, तो भक्ति में अभिमान न हो। कभी कभी भक्ति के मार्ग पर भी हमको कितना अभिमान होता है। हाँ, एक भाई मुझे कह रहा था कि बापू मैं 40 साल से लगातार हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा हूं, अभी तक हनुमान जी खुश क्यों नहीं हुए, 40 साल हो गए मुझे हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, हनुमान जी की खुशी दिखाई नहीं देती। तो मैंने उनको यही निवेदन किया कि भैया जब तक ये 40 शब्द तुमको याद रहेगा ना, तब तक भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। कई लोगों को इसी बात का अभिमान हो गया, मैं इतने साल से कर रहा हूं। अभिमान जहां आने का कारण बने मेरे भाई बहन, वहां पर ध्यान मत दो, हटाओ वहां उस बात को, अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तो कहता हूं कि जब भगवान की माला करो ना, तो वो भी गिन कर ना करो, वरना कई बार उसमें भी अभिमान हो जाता है कि मैं इतनी माला करता हूं। जितना सहज हो सके ऐसी भक्ति करो। कभी 4 बजे नींद खुल जाती है तो 4 बजे कर लो, कभी 6 बजे नींद खुलती है तो 6 बजे कर लो। जबरदस्ती की साधना नहीं, वो हमारे अहंकार को और बड़ा करता है। इसलिए बहुत विनम्रता से प्रार्थना करो, जितना सहज रह सको भक्ति के मार्ग पर, अभिमान नहीं होगा। एक महात्मा मेरे मित्र हैं, तो कभी कभी गंगा के किनारे उनसे मुलाकात हो जाती है हरिद्वार में। तो जब भी मिलते थे एक ही बात के, बापू मैंने करोड़ों की संपत्ति पर आज से पता है 30 साल पहले मैंने करोड़ों की संपत्ति पर लात मार दी। अपने मां बाप का इकलौता था मैं, करोड़ों रुपए थे मेरे मां बाप के पास, इतनी सारी प्रॉपर्टी, लेकिन मेरे साहब लात मार दी और मैं साधु बन गया। करीब 4 साल हो गए मुझे सुनते सुनते, जब भी मिले गंगा के तीर पर वो बात जरूर लाए। मैं तो परेशान हो गया सुनते सुनते। एक दिन मैंने कह दिया कि बाबा एक बात कहूं यार, बुरा मत मानना। क्या? हमने कहा कि लगता है तुम्हारी लात ठीक से लगी नहीं थी, वरना 30 साल हो गए अभी तक वही बातें बीच बीच में आती रहती। जब भी मिलते हैं, 30 साल पहले मैंने लात मार दी। ये जो अभिमान है, त्याग वाला अभिमान। कई लोगों को धन एकत्र करने का अभिमान होता है ना, कई लोगों को त्याग का भी अभिमान हो जाता है कि मैंने इतना त्यागा। त्याग के पीछे यदि अभिमान आया तो फिर वो तुम्हारा त्याग व्यर्थ है। दान करो ना तो अभिमान नहीं होना चाहिए। किसी पर करुणा करो तो अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया। नहीं, साबुन हमारे कपड़े के मैल को धो देता है। हाँ, लेकिन शर्त यह है बाद में साबुन को भी हटा दिया जाए, वरना यदि मैल धोया और साबुन लगा रहा तो फिर कपड़े को और नष्ट करेगा। इसलिए जरूरी है कि दान किया जाए तो साथ साथ में अभिमान को भी छोड़ दिया जाए। अभिमान यदि बना रहा तो और घातक है फिर वो। इसलिए अहंकारी व्यक्ति का प्रवेश राम चरणों में संभव नहीं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।